लगभग 10 लाख क्रिसमस लाइट्स और मैंने सिर्फ ये क्रिसमस लाइट्स ही नहीं खरीदी हैं, लेकिन ये 3 घर भी खरीदे हैं। ओके, तो शांत तुम इस घर को सजाओगे। कैसिडी, ये तुम्हारा घर है और ये घर होगा सेरा का। जिसका भी घर सबसे अच्छा लगेगा वो उसे रख हम लेगा। कर सकते हैं, ठीक है। तो मुकाबला शुरू हुआ। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? तुमने मेरी लाइट्स क्यों चुराई? यहाँ ऐसी 20 लाख लाइट्स हैं। ठीक है, तुम्हारी लाइट्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, हम बनाने वाले हैं एक मिस्टर बीस्ट थीम हाउस। हम जिमी को मैनिपुलेट करने वाले हैं ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट। अगर मैं लाइट लगाऊंगा तो हम कभी नहीं जीतेंगे, ठीक है? मैं बताता हूँ, तुम वैसा करो। ये मेरा घर है। तुम जीतना चाहते हो? ये इतनी उलझी हुई क्यों है? मुझे नहीं पता। क्या, जरा देखो तो। ये उलझी हुई लाइट्स ली क्यों? पता नहीं, मैं तो अरे यार, वहाँ पर लाखों लाइट्स पड़ी हुई है, तुमने यही क्यों चुना? एक्चुअली 20 लाख है ना? सही कहा, मैं माफी मांगता हूँ। तो टाइटल में 10 लाख अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में वहाँ पर 17 लाख लाइट्स है। तो ये क्लिकबेट है। 10 लाख भी थी लेकिन वहाँ पर 17 लाख है। हाँ, वो 20 लाख भी हो सकती है। इससे तो पूरा मामला उल्टा हो गया। तो चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अगर ये घर सबसे अच्छा दिखेगा तो ये तुम्हारा होगा। तुम्हारा अपना घर, तुम्हारी उम्र क्या है? 18। ये जैसे जैसे अपने घरों पर लाइट्स लगा रहे हैं, ये काफी मजेदार है। और जरा देखिए अभी कितनी लाइट्स बची हुई हैं। क्रिस का घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्रिस, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें पूरा यकीन है? कार्ल, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। और इनके मुकाबले चैंडलर का घर जरा जरा क्या, जिसका भी घर सबसे अच्छा लगेगा वो घर उसका होगा। पता है, हम अब बस उधर चलते हैं। मीटिंग। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे ना कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा घर सबसे अच्छा है।